जय हिंद साथियों, मैं हूं आज रविदास तुगला रविदास मंदिर तुगलकाबाद में, जहां पर 19 तारीख को आज दिल्ली एनसीआर के संगठनों ने जो आज बंद का और यहां पर आने का जो धरना प्रदर्शन का जो रुख किया था वो आज यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ में उन्हीं में से एक हैं, बालकराम बौद्ध जी, समाज सेवी हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। पूछना चाहते कि आज का जो 21 का आंदोलन है और आज का जो आंदोलन है वो किन अलग अलग फ्राकों में? देखिए, जो आंदोलन है, आज का जो आंदोलन था वो केवल एक सरकार को एक चेतावनी के रूप में था। पहला पड़ाव था कि आज हमने क्या एक सांकेतिक कार्यक्रम रखा था कि हम यहाँ पे गुरु स्थल पे एक पुष्पांजलि करेंगे, जो गुरु स्थल है उस पर अपनी भावनाओं को वहाँ पर नमन करेंगे। आज का केवल इतना ही कार्यक्रम था और सरकार के लिए एक मौका था, मौका दिया है कि सरकार परसों तक कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय लेते हुए जो गुरु स्थान का जो द्वार बंद किया है उसको जनता के लिए खोल दे, जनता की भावनाओं की कदर करते हुए। अपना आप जो आज यहाँ का जो आपका जो एक जत्था है, उस जत्थे में से कुछ लोग जो मुखिया हैं, उन लोगों ने क्या उन लोगों से बात की है प्रशासन से? देखिए, अभी बात कर रहे हैं, प्रशासन से बात करने की बात चल रही है। अगर प्रशासन ने हालांकि अभी रोका हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहीं पर आप अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करेंगे और अगर आज नहीं जाने देते हैं तो परसों तक का समय है। परसों का जो आंदोलन रखा हुआ है 21 तारीख का, वो पूरा देशव्यापी आंदोलन है। उस आंदोलन के बाद एक नीति तय हो जाएगी और निश्चित मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई सकारात्मक फैसला इसमें लेगी। 21 तारीख का जो स्थान है वो कौन सा है? 21 तारीख का जो स्थान है वो जंतर मंतर का रखा हुआ है। जंतर मंतर पर ही लोग इकट्ठा सब लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे, अम्बेडकर भवन पर इकट्ठा होंगे, वहाँ से भी जंतर मंतर पर आएंगे और जंतर मंतर पर ही कार्यक्रम रखा हुआ है। तो आप ये देखिए, एक मुख्य बात ये है कि जो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रही थी कि कहाँ पर जाना है 21 तारीख को, सभी लोग पूरे भारत से 21 को जंतर मंतर पर पहुँच रहे हैं और बालक राम जी ने भी ये बता दिया है। और आज के आंदोलन के बारे में आप कह रहे हैं, जो आज दिल्ली के जो आज केवल दिल्ली का क्षेत्रीय था और एक सांकेतिक एक पड़ाव रखा गया था जिससे कि सरकार को चिताने के लिए, ताकि सरकार इस भ्रम में ना रहे कि जैसे 2 अप्रैल की स्थिति हुई और उसके बाद सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाके एक फैसला किया, क्योंकि ये जो न्यायालय का जो निर्णय आया है ये सरकार की गलत नीति के अनुसार आया है। सरकार ने न्यायालय को गुमराह करके ये निर्णय कराया है और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार इसमें पहल करते हुए इस निर्णय के उसके खिलाफ जो निर्णय न्यायालय ने दिया है उसके खिलाफ कोई न्यायालय में गया है क्या उस निर्णय के खिलाफ? देखिए, वो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। अब देश में सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कौन सी कोई न्यायालय बस्ती नहीं, उसके बाद अगर न्यायालय बस्ती है संसद बस्ती है। सांसद की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद में उसका ऑर्डिनेंस लाए या सांसद उसमें रिव्यू पटिशन डाले, जो भी रास्ता वो अपनाए। न्यायालय ने ऐसा कोई रास्ता, मतलब सिर्फ एक रास्ते के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे हम न्यायालय में अपील कर सकें और अन्य बेंचों में? देखिए, सरकार ने ये कूटनीति यही तो अपनाई है, क्योंकि सरकार ने आम जनता का रास्ता बंद कर दिया है। सरकार ने जनता को रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, जिस कारण आज एक पहला पड़ाव किया है और उसी क्रम में 21 तारीख का रखा गया है। तो आज के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हुआ है, आज के आप भीड़ पे जो क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन? नहीं, देखिए, आज का जो आंदोलन है उसके लिए जनता की जो भावना है, आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में भी लोग भूखे प्यासे अपनी भावनाओं को समर्पित करने के लिए आए हैं और मैं समझता हूँ अगर सरकार ने उनकी भावनाओं को कदर नहीं की तो 21 तारीख को सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ में बालक राम जी थे और आप पीछे उधर देख सकते हैं एक बार कि आज का जो आंदोलन है और 21 का जो आंदोलन है, बालक राम जी उस आंदोलन की कड़ी हैं। आप पूरा ये जाम है, उधर CRPF है, लोगों का हुजूम है, आप पीछे नीले झंडे देख सकते हैं। मतलब इतना बड़ा जो आंदोलन के जो पड़ाव है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी और 21 तारीख में बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होगा, जंतर मंतर पर लोग पहुंचेंगे, आगे देखते हैं क्या होगा। जय भीम। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।